देखो कुछ भी कर लो आप, जब तक आप सुपर नेगेटिव के अंदर हो तब तक आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि नहीं आने वाला, ये पहले समझो। आप अगर चाहते हो कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, आप आनंद में रहो, आप शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रेम आनंद शांति, आपके शरीर से आप इस ऐसे ऊर्जा को चारों तरफ फैलाओ, आप जहां बैठो आपके पास जो बैठ जाए वो शांत हो जाए। मैं देखा हूं मेरे पीछे बहुत कंप्लेन, बहुत बातचीत करते, बहुत सारे निंदा अपमान सामने आ जाते, चुप हो जाते, नहीं बोल पाते। ये तभी हो सकता है व्हेन यू एमिट द पॉजिटिव एनर्जी लाइक प्रेम लव लाइक सुख शांति समृद्धि प्रेम आनंद शांति, और उसके लिए आपके जीवन में साधना चाहिए। आप अपने पे देख लो, कल आप आए थे बड़ा अनइजी है ना, और मैं देख रहा हूं आप पूरा सब साफ सुथरा करके और यहां बैठे हो, और कुछ बॉडी लैंग्वेज अलग है। ये डिपेंड करता है जो व्यक्ति के पास बैठे हो वो कैसा एनर्जी एमिट कर रहा है, कैसा एनर्जी रेडिएट कर रहा है, कैसा एनर्जी चारों तरफ फैला रहा है, ठीक है ना। तो फिर बोल रहा हूं, एन एवरी एलिमेंट इन योर होम दे रेडिएट सम एनर्जी, इट मे नेगेटिव और इट मे पॉजिटिव। ये हनी का बोतल भी, अगर एक मधु का बोतल भी एक एनर्जी रेडिएट करता है, हनी इज पॉजिटिव, लेकिन आप इसको कलेक्शन कैसे किए, मच्छरों को मक्खियों को मधुमक्खियों को मार के उन्हें शोषण करके, या विद द प्रेयर। मधुमक्खी मधुमक्खी खेती में हम लोग कृषि गुरुकुल में कभी मधुमक्खियों को कष्ट दे के मार के पीड़ा दे के मधु कलेक्शन का बात नहीं करते, भिक्षाम प्रेम सहित शांतिपूर्वक प्रार्थना, और वो देते हैं। मैं कई ऐसे फार्मर्स को जानता हूं, वे कदाचित उनको शोषण नहीं करते, उस मधु आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। ऐसे बोलते हैं, आप देखना यूट्यूब में बहुत सारे टूटा हुआ चेयर नहीं होना चाहिए। अब सोचो घर में हम लोग खटिया में सोते हैं, और वो खटिया के नीचे वो बक्सा वाला खटिया, उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, तो बक्सा वाला खटिया के नीचे देखो पुराना कपड़ा, पुराना गंदा कोई टूटा फूटा चीज, कोई ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स खटिया के अंदर रहता है, सालों पड़ा रहता है, खटिया को कभी साफ भी नहीं करते, और ऐसे खटिया के नीचे तो झाड़ू पहुंचा नहीं, पहुंचेगा नहीं। आपका बेडरूम है, खटिया का नीचे है, और सालों से झाड़ू नहीं हो पा रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है, या वो वैक्यूम में भी घुसाते हो तो उतना जितना तक पहुंचे उतना। और महापुरुष लोग बड़ा मूर्ख जिस घर में रहते हैं उसके ऊपर क्या क्या बोलते हैं उसको, मतलब पीओपी पीओपी नहीं वो छत के, मतलब छत के नीचे और एक तो क्या कर देते हैं ऐसा करके, मतलब ठंडा हो और उसमें डायरेक्ट रेडिएशन हिट नहीं पड़े और सुंदर भी दिखाई दे इंटीरियर डेकोरेशन के नाम पे, ठीक है, वो पूरा कवर कर देते हैं छत को हार्डबोर्ड या पट्टा हाँ देके। हाँ हाँ अब सोचो उस पट्टा के ऊपर कितना कचड़ा बहुत मट्टी है ना, मट्टी कचड़ा चूहा का गंद, मतलब लीथ, और भी कई सारे जानवरों का लीथ, मरे हुए कई सारे जानवर। और यहां तक भी मैं एक आदमी का घर में देखा, उनका घर एक परिवार में वो रहते थे, और हमेशा पति पत्नी के अंदर झगड़ा और टेंशन, और वो जाके देखा कि उसके घर के छत के ऊपर किसी ने मरा हुआ आदमी का अवशेष। तो मैं सोचा कोई आदमी इसके अंदर कैसे घुस सकता है, कैसे डाल सकता है, तो काम था या तो बिल्ली का या तो चूहा का, लाया खाया छोड़ के भाग गया। तो वो एलिमेंट तो आपका घर को नेगेटिव एलिमेंट करेगा, नेगेटिव एनर्जी देगा। और सोचो वो घर है और पश्चिम दिशा में लेटरिन है, मतलब वो बेडरूम और बेडरूम के पास बाथरूम लेटरिन, और पश्चिम का धूप उस घर में गिरे, नेगेटिव एनर्जी। पूर्व दिशा में है और पूर्व दिशा में डस्टबिन है, रसोई से नेगेटिव एनर्जी घर में घुस रहा है, क्या करोगे। यानी आप जहां रहते हो आपका वो स्वयं वो घर भी एक नेगेटिव ऊर्जा जनरेट करने वाला जगह है, घर ही नहीं एक इंसान भी नेगेटिव एनर्जी ऊर्जा जनरेट करने वाला है। जो इंसान ज्यादातर मांस मछली अंडा खाते हैं, जो इंसान ज्यादातर फास्ट फूड हड्डक बर्गर पिज्जा मिक्सचोर बिस्कुट और अंग्रेजी चाय इस प्रकार के चीज बहुत ज्यादा खाते हैं, तो वो इनसेल्फ वो शरीर भी एक नेगेटिव ऊर्जा जनरेट करता है। इसलिए हमारे पास यहां जब कोई आते हैं हमारे यहां गुरुकुल में, स्वास्थ्य गुरुकुल में, तो पहला काम शरीर शुद्धिकरण, एनिमा लो,
कट स्नान लो, कुंजल करो, सटक्रिया करो, सटकर्मा करो और गोबर गोमूत्र का पान करो वगैरह वगैरह। अब सोचो जिसका रसोई है, आज पूरे भारतवर्ष में एक समय था ऐसा कोई घर नहीं था जहां जिस चूल्हे चौके में गोबर का लिपाई नहीं होगा वहां खाना नहीं बनता था। आज 99% घर में गैस है, माइक्रो ओवन है और सारे चीज है, और जिंदगी में शायद एक बार भी गोबर गोमूत्र का लेप नहीं होता। बहुत ज्यादा हुआ फिनाइल या फिर और क्या क्या, मेरे को नहीं पता, वो सब छिक वाला मार देके। तो तुम्हारा रसोई पवित्र हुआ क्या? नहीं। अगर पवित्र नहीं है मतलब अपवित्र है, यानी आपका रसोई जहां से पूरा परिवार का स्वास्थ्य निर्भर करता है वहां से अगर नेगेटिव एनर्जी एमिट कर रहे हो तो फिर तुम्हारा परिवार सुख शांति समृद्धि में रहेगा। और विश्व ब्रह्मांड में बिना गोबर गोमूत्र का कोई भी चीज आपके रसोई को, आपके देवस्थान को पवित्र नहीं कर सकता। गोबर गोमूत्र गंगा जल पंचगव्य जल कभी छिटे हो तुम्हारे घर में? नहीं। और सोचो देवघर, जहां पर घर ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का झांकी है, देवस्थली है, कोई साफ नहीं करता, बड़ा है, नित्य निरंतर सफाई, नीचे हमेशा गोबर गोमूत्र से सफाई नहीं, पड़े ठाकुर जी, फूल थोड़ा डाल दिया, पानी थोड़ा डाल दिया, भोग लगा दिया, चला। और ठाकुर जी को हटाओ तो नीचे कितने कॉकरोच और कितने कीड़े मकोड़े क्या पता नहीं, नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे घर में नहीं पहुंचेगा। और कई 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 गधों के घर में घर है और महिषामर्दिनी दशभुजाम, कोई काली संहारकारिणी, ऐसे फोटो वगैरह रखते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे बीबी के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। और हमेशा याद रखना फीमेल बॉडी इमीडिएट नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट कर जाता है, या छोटे बच्चे इमीडिएट इफेक्ट करता है, और नारी का दिमाग एक बार घुस गया जिंदगी भर निकाल नहीं सकते। तुम्हारे दिन बीबी लेके आए, तुम्हारे घर में घुसी, एक बार किसी कारण तुम्हारे अड़ोस पड़ोस, और वो लोग काटने वाले कुत्ते काटने वाले तो पड़े हैं, जिंदगी भर तुम्हारे बीवी से नेगेटिविटी नहीं हट सकता, कितना कोशिश कर लो, कितना तपस्या कर लो, क्योंकि एक बार दिमाग में घुस गया बात, सबका बात नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा कर्तव्य बढ़ जाता है। पहला समाधान क्या, और वही बाकी 3 मिनट में बताना चाहूंगा। पहला, अपने घर में नेगेटिव एलिमेंट्स, नेगेटिव एनर्जी किस किस एलिमेंट से निकला रिलेट हो रहा है उसे पहले हटाओ। बोलने का जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन यूट्यूब ऑल्सो। जितने सारे टूटे फूटे पुराने कपड़े, लकड़ी के सामान, टेबुल चेयर चौकी, टूटे हुए मूर्ति फोटो जो भी है उन्हें विसर्जन करो, या बेच दो या फेंक दो। पहला, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, मैं ऐसे ऐसे कई सारे एलिमेंट्स को बताऊंगा, शॉर्ट में बता दिया। एनी नेगेटिव एलिमेंट, ओल्ड एलिमेंट, टूटा हुआ फूटा हुआ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये टूटी हुई चेयर है और ये नेगेटिव एनर्जी सब एमिट कर रहा है, ये टूटी हुई मूर्ति है इसे नहीं रखना, बहुत सारा बात। एक दूसरा, आपके घर के चारों तरफ आपको खुद में, आप नौकर से सफाई नहीं, नौकर क्यों साफ करेगा, आपका सफाई आप करो। तीसरा, आपके घर में बाह्य लोग एट लास्ट गेस्ट रूम तक आए, अंदर तक नहीं आए। तीसरा, घर का लिपाई पोछाई कोशिश करो शुद्ध देसी गाय के गोबर गोमूत्र और गंगा जल से हो, ऊपर का स्प्रे भी, वो स्प्रेयर रखो, थोड़ा सा स्प्रे भी कर दो। चौथा, ऐसे जगह जहां आपका झाड़ू आपका वो पहुंच नहीं पा रहा है उसका सफाई जरूर महीना में एक बार हो जाना चाहिए। पांचवा, आप जहां रहते हो उन आसपास के लोगों को ढूंढो, उसमें से कितने आदमी नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, उस नेगेटिव एनर्जी वाले आदमी को कैसे करके, आप तो नहीं चेंज कर सकते, आप अपने को तो पॉजिटिव कर सकते हो, आप अपने को तो पॉजिटिव कर सकते हो, और जितना पॉजिटिव करोगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव करोगे, अगर कोई, मैं अभी इसको आपको ऐसे समझाऊं, तांत्रिक प्रोसेस बताऊं, तांत्रिक प्रैक्टिसेस, कुछ नेगेटिव तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं, कुछ पॉजिटिव तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं। पकड़ लो आप कोई मेरे ऊपर जादू टोना कर रहे हो और मैं कंप्लीटली पॉजिटिव आदमी हूं, और मैं आपको, मैं खुद को कवच किलकम करके, अर्गलम ऐसे करके कवच रखा हूं, और मैं हमेशा दूसरे का कल्याण और मंगल के लिए पूजा प्रार्थना करता हूं, जो संकल्प करता हूं विश्व शांति विश्व कल्याण जगत हित के लिए करता हूं, जो प्रार्थना पूजा करता हूं वो सबका हित
और निर्मला निश्चला निष्काम भक्ति प्राप्ति अर्थम, हे माँ हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत कुछ तुमने दिए हो, मैं कृतज्ञ हूं और मेरा पूजा प्रार्थना का लक्ष्य केवल इतना ही है कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त बनूं और मैं हर पल हर क्षण इस शरीर से इस मन से इस बुद्धि से इस चित्त से इस अहंकार से इस शरीर से पॉजिटिव ऊर्जा प्रेम शांति और आनंद को ही विचरित करूं। किसी को अगर नहीं ग्रहण हो पा रहा है अलग बात, कोई उसे अगर नहीं अनुभव कर पा रहा है अलग बात, बट मैं जो करूं पॉजिटिव करूं। ऐसे अगर आपका आभा मंडल पॉजिटिव हो गया ना, आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव मारण तक का भी आपको प्रयोग करेगा, पहला बात वो एनर्जी आपको हिट करे या डिसमिस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर क्योंकि अब रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, घिंच के जाके उसी को ठोक देगा। बहुत प्रैक्टिकल देखा हूं जीवन में। लेकिन ये जो सेंसिटिव कल बता रहा था, सेंसिटिविटी, चमड़ा मोटा हो गया है ड्यू टू मैकॉले एजुकेशन, ड्यू टू फास्ट फूड, ड्यू टू मांस मछली अंडा, हमारे पास सेंसिटिविटी खत्म हो गया, समझ खत्म हो गया। सामने वाला जो हमारा कल्याण के लिए पूजा प्रार्थना करता है, हम डाउट करने लगते हैं कि हमें ये कहीं मार तो नहीं रहा है। आप अपने घर में अपने बीवी का कल्याण के लिए जब तब पूजा करने चालू करते हो, तो आपका बीवी कर चुके ये तंत्र मंत्र करके जड़ी बूटी करके मेरे को कुछ करने तो नहीं लग रहा है। आप अपने बीवी को एक फूल भी लेके देते हो तो बोलते कहीं ये और कुछ मेरे को मारण वशीकरण सम्मोहन तो नहीं कर रहा है। डाउट का क्या मेडिसिन? तो बाप फर्स्ट इराडिकेट, फर्स्ट एमिट द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर होम। और उस नेगेटिव एनर्जी के लिए पहला बात, शुद्ध देसी गाय का घी का दिया आपके घर में जरूर। दूसरा, अग्निहोत्र का बात मैं बोलता हूं बार बार, तो यू डू अग्निहोत्र एवरी डे एंड बोथ टाइम, गारंटी है यू सेव योर होम।